बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा चैप्टर था, सेकंड चल रहा था, यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो इसका हमने पहला जो हमारा पहला हुआ था, जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था साइंस के साइंटिफिक मेथड के यूज करने में। और आज हमारा सेकंड जो है एस्पेक्ट है जिसमें साइंस ने हमारी मदद की है, वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। लेट्स सी पेज नंबर 4 पे। इफ यू हैड बीन बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। अब अगला हमारा टॉपिक है कि इसके नतीजे में, साइंस के नतीजे में डिजीजेस का बेहतर कंट्रोल हुआ। इफ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट वन सेंस ऑफ एट। तो 8 में से आपको एक मौका मिलता ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर्स ओल्ड, एक साल जिंदा रहने का। यानी ये सपोज कर रहा है कि अगर आप 200 साल पहले अगर जिंदा होते, तो यहाँ पे बताएंगे जी कौन सी कंडीशन ऑफ इफ क्लॉज इस्तेमाल की गई। जी, इफ क्लॉज की कौन थर्ड कंडीशन है, यू हैड बिन 200 इयर्स अगो। इसमें देखिएगा कि आप ये सपोज कर रहा है, एक अन क्या होगा, इम्पॉसिबल इम्प्रोबेबल कंडीशन है कि ये पास्ट में भी ये हो भी नहीं सकता और ना ही इसके कोई इम्कानात है। तो ऐसी कंडीशन को हम इम्पॉसिबल इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इफ क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और मेन क्लॉज में क्या यूज करते हैं, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब हमने यूज करना है थर्ड कंडीशन, इफ क्लॉज में परफेक्ट टेंस होगा और मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे दूसरी बात देखनी है, यहाँ पे इफ क्लॉज में कौन सी मिस्टेक है। अगर आप हैड बिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल नहीं होगा। शाबाश, फिर अगो इस्तेमाल नहीं होगा। एगो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। जब आप परफेक्ट टेंस लगाते हैं तो फिर हम वहां पे ये यूज करें, बिफोर के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल में देखिएगा, ही वॉज प्रेजेंट हियर टू दिस बिफोर, तो क्या होना चाहिए, एगो अगो होना चाहिए। और शी हैड रिटन हर बायोग्राफी लॉन्ग टाइम अगो, अब जब हैड रिटन आ गया तो फिर बिफोर हो जाएगा। बिफोर फोर हमें क्यों परफेक्ट हो टेंस लगाते हैं, बिफोर का मतलब है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात हो रही है। तो जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन की बात कर रहे हैं तो वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, थर्ड कंडीशन इस्तेमाल की गई। फिर दूसरी बात याद रखनी है कि वन सेंस ऑफ एट लिविंग टू बी 1 ईयर्स ओल्ड, अब टू बी आ गया तो फिर ओल्ड लगाया, अगर ऑफ लगा दिया जाता तो फिर एज लगाना। तो ओल्ड और एज में क्या फर्क है, ओल्ड एडजेक्टिव है और एज नाउन है उसका। अदर वर्ड्स, इन दोज इयर्स, अब ये सेहत की हालत ये आज से 200 साल पहले या इन द पास्ट है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट में। इन अबाउट 7 out of the 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। इससे मुराद ये हुआ कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले पहले, यानी अपनी उम्र के पहले साल ही फौत हो जाते थे, बिफोर रीचिंग देयर बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे। सपोज यू हैव बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, फर्ज करें, सपोज के मतलब इमेजिन, अगर तसव्वुर करो कि आप एक गैर मामूली, अनयूजुअल का मतलब रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, कोई अनोखे मजबूत जो है ना वो आदमी है। यू हैड लिव थ्रू द फर्स्ट ईयर, और आपने पूरा पहला साल गुजार लिया है। वेरी लाइकली, बिल्कुल गालिबन ऐसे ही, लाइकली मीन परहैप्स, बिफोर यू वर 6 ईयर्स ओल्ड, इससे पहले कि आप 6 साल के हो जाए, यू वुड हैव द स्मॉल पॉक्स,
आपको चीज़ से खो दे एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12 और जब तक आप कितने साल के जब तक के आप 6 साल के ना हो जाए you would have smallpox and by the time reach age of 12 you would undoubtedly bila shakko shubha surely certainly have measles kali khansi uske baad khasra scarlet fever surakh bukhar diphtheria khatnak na ho jaye yani ye sari bimariyan agar aap bach bhi jate to ye sari bimariyan hoti thi from your even then your battle for life was not over अभी भी आपकी जंग खत्म नहीं होगी ओवर से मराद क्या होगा एंडेड अभी भी आपकी जिंदगी के लिए जंग खत्म नहीं हुई यहाँ पे बैटल से मराद स्ट्रगल ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी के लिए जंग खत्म नहीं हुई येलो फीवर आ गया मलेरिया टाइफस कॉलरा टाइफाइड फीवर एनी वन इन्फ्लुएंजा जो नजला शुरू हो जाता वन स्टार्टेड स्प्रेड आउट स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी पूरी सोसाइटी में फैल जाता है कम्युनिटी से मराद पूरी पॉपुलेशन या कॉलोनी या पूरी रेजिडेंस या पूरे इलाके में फैल जाता है अब लाइफ वाज अनसर्टेन मोस्ट अनसर्टेन जिंदगी दोनों गैर यकीनी थी अनसर्टेन अनश्योर थी अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज एक आदमी जो 30 साल की उम्र जी लेता वाज इनडीड फॉर्चुनेट वो दर हकीकत बड़ा ही खुशकिस्मत होता है इंडीड सर्टेनली और फॉर्चुनेट का मतलब लकी होता अब यहाँ पे देखिएगा ऑफ इयर्स ऑफ एज है ऑफ जब लग जाए तो उसके बाद हम नाउन इस्तेमाल करना ही नहीं प्रपोजिशन के बाद नाउन लगाएंगे नाउन की जगह पे हमने एज लगाना है और जब एज वगैरह लगाए तो फिर हमने ओल्ड इस्तेमाल करना इट इज अनबिलीवेबल ये यकीन करना मुश्किल है अनबिलीवेबल जिस पे यकीन ना आए ये दैट सच कंडीशन कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट टाइम अगो कि इस तरह की सूरत हाल कुछ अरसा पहले ही मौजूद रही एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट होना सो शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा ही वक्त जो है ना मौजूद रहे टुडेज बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग ए डिजीज जहाँ पे उनके बीमारी के होने के इम्कानात बहुत थोड़े से हैं लाइकलीहुड का मतलब क्या है चांसेस इम्कानात गेटिंग ए डिजीज बीमारी होने के जहाँ पे उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ही थोड़े हैं यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिफ्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर नौजवान बीमारियों क्या होगा स्मॉल पॉक्स ये चीचक या खन्नाक या दूसरी टाइफाइड बीमारियों के खिलाफ उनका इलाज किया जाता है जैसे आपको याद है हिफाजती टीके लगते हैं तो ये सारी बीमारियां हिफाजती टीकों में मौजूद होती हैं ये पास्ट में बहुत सारी बीमारियां थी और आजकल सभी की वैक्सीनेशन की जाती है टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव मोर ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड आज इंसान जो है वो 70 साल रहने के बारे में उम्मीद रख सकता है एक्सपेक्ट का मतलब हो या क्या होगा उम्मीद रखना अब यहाँ पे देखें टू बी ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड यहाँ पे ये ध्यान से स्ट्रक्चर समझना है बी है जो होने का मीनिंग देता है तो टू बी के बाद क्या इस्तेमाल किया ओल्ड का वर्ड इस्तेमाल किया अगर हमने यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन होती तो फिर हमने एज का वर्ड इस्तेमाल करना था इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में मोर देन 30 इयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ कि 30 इयर्स से ज्यादा इंसान की औसत उम्र में क्या है अजाफा हो गया है एक्सपेक्टेड एज जो मतवक्को उम्र थी उसमें 30 साल का अजाफा हो गया है अब जरा पहले हमने पढ़ा कि आज से 200 साल पहले कैसी हालत थी सेहत की फिर हमने पढ़ा कि आज के इस सूरत हाल में क्या बेहतरी आई साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से तो ये 2-3 सवाल हो गए कि 200 साल पहले सूरत हाल क्या थी सेहत की दूसरा सवाल हो गया कि कॉमन डिजीजेस क्या थी जो पास्ट में थी तीसरा क्वेश्चन है कि क्या क्या बेहतरी आई इंसान की इस क्या होगा लाइफ में और जो इस लास्ट क्वेश्चन है इसमें अगले इस लाइन में आ रहा है दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबली बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ये सारी जो बेहतरी आई है
वो साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से आई है. सच प्रॉब्लम एज द कॉज ऑफ डिजीजेस एंड इट्स प्रिवेंशन, ना सिर्फ बीमारी का पता चला है बल्कि इसकी रोकथाम हुई है, इसको रोक लिया गया. प्रिवेंशन का मतलब अवॉइड करना, किसी को कंट्रोल कर देना. तो यानी कि पहले तो कॉज ऑफ डिजीजेस पता चला, यानी हमें डायग्नोसिस बेहतर हो गया, और उसके अलावा हमें प्रिवेंशन है, उसको रोक लिया, उसकी ट्रीटमेंट कर ली. तो ये साइंस ने हमारी मदद की है. इसके नतीजे में साइंस साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से हमारी जिंदगी में चेंज आया. अब जरा क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 3 देखना है, इसकी मजीद प्रैक्टिस देखेंगे. जी आप जरा बताइएगा सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है. If it had rained. यहां से आपका जो मेन क्लॉज है वो have के साथ है, तो if वाली क्लॉज में परफेक्ट टेंस आ जाएगा. जी नेक्स्ट वाला बताइएगा. You would have got wet. होगा, क्योंकि if वाली क्लॉज में पर past perfect है. और क्या होगा इसमें, क्या होगा, would get नहीं आएगा, would have got हो जाएगा, would के साथ have और third form लगाएंगे. जी बच्चों नेक्स्ट में बताइएगा. You would have passed. मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज है, मुख्तलिफ जगहों पे मिस्टेक है, मैंने सभी को जना वो पॉइंट आउट किया है. समटाइम हमें यह भी कंडीशन ये आ सकती है कि वुड के साथ हमें हैड जना वो इंडिकेट हो सकता है. तो वुड हैव क्या होगा, पास्ट ओवर योर एग्जाम. उसके बाद है इफ यू वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड. हैड वर्कड होगा क्योंकि वुड हैव पास्ड योर एग्जाम, ये थर्ड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है. कम ऑन, If you had not lied to me before. अब देखिए would have आ गया, तो इससे indicate होएगा इस sentence को, इस clause को. जी next वाला. I would have believed हो जाएगा. अब जरा देखिएगा जी, हमारा पहला question है कि health condition 200 years ago क्या थी. जी पहले very poor से आपने sentence बनाएंगे. अब हमने हमारा सब्जेक्ट कौन सा है इस क्वेश्चंस में, हमने सब क्वेश्चन क्या लिया, सब्जेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ कंडीशन के बारे में. पर वेरी पुअर 200 इयर्स अगो. और अगला है कौन सी चीज थी अनसर्टन. शाबाश, लाइफ वाज अनसर्टन. अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि पास्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमने वाज पर का इस्तेमाल करना है. जी लो एवरेज एज ह्यूमन बीइंग्स हैव लो एवरेज एज. इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इन्हीं को वर्ड को इस्तेमाल करके क्या कह सकते हैं, एवरेज एज वाज लो. ठीक है, और उसके बाद एंड देयर वर मेनी कॉमन एपिडेमिक डिजीजेस. द कॉमन एपिडेमिक डिजीजेस या एपिडेमिक्स वर, अब उनके नाम लिख देने हैं, चंद एक के दो चार के जो नाम याद आ जाए वो आप लिख सकते हैं. तो ये क्या थी, आज से 200 साल पहले की सेहत की हालत थी. उसके बाद अगला जी, डाय बिफोर रीचिंग द डे डाय से मुराद, अगर डे डाय हो सकता है, इससे मुराद होगा कि सारे लोग ही मर जाते थे. तो यहाँ पे क्या होगा, 7 out of 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थ. जी अब अगला सवाल है जी हमारा, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे इम्प्रूव की है. जरा मुझे बताएंगे जी कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है वो कौन से टेंस में करेंगे. शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि अब से पहले, अब हम बात कर रहे हैं, अब के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब अब से पहले जो एक्शन हो गया है वो कौन सा टेंस हो गया, वो परफेक्ट. अब जरा देखिएगा जी कौन सा सेंटेंस बनाना है आपने.
Health facilities या health conditions have improved a lot. जी उसके बाद अगला सेंटेंस है कंट्रोल किया है epidemics कह लें या क्या होगा different diseases ठीक है अब कंट्रोल कर रहा है ये डिजीजेस या कंट्रोल हो रही हैं हो रही हैं तो क्या होगा एक्टिव वाइस होगा पैसिव वाइस होगा पैसिव वाइस होगा पैसिव वाइस में परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम जितने भी परफेक्ट टेंस बीन का इस्तेमाल करते हैं अगर प्रेजेंट है तो हैव बीन हैज बीन अगर परफेक्ट है तो हैड बीन और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन तो क्या होगा द डिजीजेस हैव बीन कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड जी उसके बाद क्या हुआ जी वेल अवेयर ऑफ नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कौन है पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इसकी डिजीजेस की और उसके अलावा कौन इंक्रीज हुआ है वेरी गुड क्या सेंटेंस बनेगा एवरेज एज अगर ह्यूमन बीइंग की लगाएंगे तो फिर हम द एवरेज एज हो जाएगा यानी अगर ओवरऑल जनरलाइज बात कर रहे हैं तो एवरेज एज होगा और अगर आप जो है वो ह्यूमन बीइंग की कह रहे हैं तो द एवरेज एज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज इंक्रीज्ड हो जाएगा उसके बाद है जी born in hospital now the babies are born in hospital now babies ab babies routine mein born hote hain ya paida ho chuke hain aajkal nahi ho rahe routine mein hote hain to kaun sa tense lagayenge present indefinite ab bacche paida karte hain ya bacche paida hote hain hote hain to passive action hai born ka to have been are born sorry are born her routine are being born ji uske baad hai science ne kaise improve kiya hai ye sawal hai kaise ke sath kya improve kiya hai aur kaise improve kiya hai improve karne ki do humne wajuhat padhi shabash kya banega science has improved health shabash science has improved health condition kaise By discovering the causes of diseases and their prevention. यानी के जब कोई process होता है तो वहां पे हम by के साथ क्या लगाते हैं fourth form लगाते हैं और क्या होगा वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जी what were the आगे जो ना हम paragraph पढ़ते हैं फिर अगला हम अगले questions करते हैं It is difficult to imagine. हमने ये दूसरी प्रॉब्लम भी पढ़नी है कल हमने खत्म करना है इसको It is difficult to imagine. इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल है It is difficult. तो जब ये एडजेक्टिव आ जाए इट इज के बाद तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसके बाद इंफिनिटिव इस्तेमाल करते लाइन कर लीजिएगा इट इज एसेंशियल टू रन फास्ट इट इज नेसेसरी टू गो राउंड तो इसका मतलब है कि जब हम इट इज के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं व्हाट सैनिटरी कंडीशन इन सम ऑफ आवर लार्जेस्ट सिटीज क्या लार्जेस्ट सिटीज वर लाइक 100 इयर्स अगो 100 साल पहले हमारे बड़े बड़े शहरों में क्या हालत हुई होगी या क्या कंडीशन रही होगी इन टू अब जरा देखिएगा वो कंडीशन बयान कर रहा है कि 100 साल पहले क्या सूरत हाल नैरो थी नैरो का मतलब कन्फाइंड होना तंग होना रिस्ट्रिक्टेड होना होता है अनपेव्ड यानी कच्ची थी यानी गलियां जो है वो गलियां हमारी क्या होती थी कच्ची होती थी गारे की या मिट्टी की होती थी और बरसात में जो ना बरसात में क्या होता था पैंचे ऊपर करके और क्या होगा बड़ी मुश्किल से चला जाता था खास तौर पे एंड पुअरली ड्रेन सिटी सिटीज और नालियों में निकासी का निजाम बिल्कुल भी नहीं था
ड्रेन्ड का मतलब होता है नकासी करना, किसी चीज का बहाव डिकेंट करना. सिटी सीड हाउस होल्ड गार्बेज है एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन, जो कूड़ा करकट है. गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट कहते हैं, रबश और रिफ्यूज ये भी वेस्टेज या रिफ्यूज दोनों का मतलब एक ही है. रिफ्यूज से मुराद क्या होगा, एक रिफ्यूज होता है वो प्रोटेक्शन होती है, एक रिफ्यूज होता है ये इनकार करना भी होता है. और रिफ्यूज से मुराद क्या होगा, ये रबश या वेस्टेज को भी कहते हैं. तो क्या होगा, गलियों में कूड़ा करकट फेंका जाता था. एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू सिटीज, जानवर जो है गलियों में घूमते फिरते थे. वॉन्डर्ड थ्रू अंडरलाइन कर लें, ये प्रेपोजिशन की मिस्टेक आ सकती है. वॉन्डर्ड बाय, वॉन्डर्ड इन, वॉन्डर्ड थ्रू, वॉन्डर्ड ऑन, इस तरह से आपको एंटी टेस्ट में आ सकती है. थ्रू सिटीज, फीडिंग ऑन, फीडिंग उपान या फीडिंग ऑन, दोनों का मतलब एक ही है. जो खुराक के लिए, खुराक के तौर पे चीजें खाते हैं उसको हम फीड ऑन या फीड उपान कहते हैं. और इसके अलावा जो किसी चीज पे आप डिपेंड करते हैं उसको भी हम फीड ऑन कहते हैं. जैसे बेबीज फीड ऑन मिल्क, तो ये क्या है, उनका यूजुअल बिहेवियर है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो अपॉन द गार्बेज, उस कूड़ा करकट पे वो करते थे. अब पहले आपने क्या चीज देखी, के नैरो स्ट्रीट थी, अनपेव्ड थी, पुअरली ड्रेन्ड गलियां थी, कूड़ा करकट लोग गली से बाहर फेंक देते थे, यानी घरों के साथ ही कूड़ा करकट के ढेर होते थे. और जो भी प्लॉट खाली होता था, ये तो आजकल भी लोग करते हैं, प्लॉट खाली है वहां पे दीवार के ऊपर से जो ना वो गंदगी उधर, क्योंकि लोगों को सेंस नहीं था. एनिमल वॉन्डर थ्रू स्ट्रीट्स फेयरिंग अपॉन द गार्बेज. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, ये भी बड़ा क्या होगा सीन होता था, लोग बाहर जो है पेशाब करने के लिए जाते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे. तो क्या होगा, दिस वॉज वेरी कॉमन, फसलों में जाके जो ना वो लोग रफ़ हाजत करते थे. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, बहुत सारी ऐसी जगहों पे होते थे वेयर ह्यूमन वेस्ट इज ड्रेन्ड इन टू वेल्स फ्राम, वो कुओं में, वो नालों में, वो जोहड़ों में, पॉन्ड्स में, ऐसे इलाकों में जहाँ पे पानी मुयसर नहीं था, वहां पे कुओं में वो क्या आता था, वो ह्यूमन वेस्टेज आती थी. फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, जहां से लोग पीने का पानी हासिल करते थे. तो इस तरह से वो क्या होगा, उसमें वो आता था, वो बह के पानी आता था. हमारे यहाँ तो चूंकि नलके हैं, पहले भी होते थे, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे थे जहां पे पॉन्ड से लोग पानी पीते थे, तो वहां पे वो सारी गंदगी वो आती थी जोहड़ों तालाबों में, वहीं से लोग पानी पीते थे, पुन के या उसको गर्म करके इस तरह से पानी पीते थे. तो ये तो होगी सैनिटी कंडीशन 100 इयर्स अगो थी. जी बच्चों देखना है, नाउ यू कैन स्पीक. सैनिटी कंडीशंस वर वेरी पुअर 100 इयर्स अगो. अब जरा क्या चीज, जी नैरो अनपेव्ड और पुअरली सर्वर. स्ट्रीट्स वर नैरो, दस स्ट्रीट्स होगा या स्ट्रीट्स होगा, नहीं स्पेसिफिक नहीं है, पुराने जमाने की है, तो ये स्ट्रीट्स होगा. जब स्पेसिफिक कर देंगे फिर हम उसके साथ क्या होगा वो स्ट्रीट्स लगाएंगे, दस स्ट्रीट्स लगाएंगे. जी शाबाश. पुअर हाइजेनिक कंडीशन, देयर वर पुअर हाइजेनिक कंडीशन. अगर वर लगाएंगे तो फिर देयर वर लगाएंगे तो फिर कंडीशंस लगाना पड़ेगा. ये देयर में सब्जेक्ट एग्रीमेंट याद रखना है कि देयर अगर सिंगुलर को इंडिकेट करेगा तो वो देयर वॉज होगा, और देयर प्लूरल को इंडिकेट करेगा तो देयर वर होगा. तो देयर वर पुअर हाइजेनिक कंडीशन. उसके बाद जी आउटडोर टॉयलेट्स. People used outdoor toilets या outdoor toilets were common, ठीक है, वो common थे. जी throw garbage in research seats. People threw garbage into research seats. गलियों में क्या करते थे, कूड़ा करकट फेंकते थे. जी आगे देखिएगा. Today our streets are paved and well trained. आजकल हमारी गलियां जो है वो पक्की हैं, paved से मराद cemented हैं, और या metalled हैं, और well drained है, अच्छी तरह से नकासी का निजाम है. And they are clean regularly, और बाकायदगी से साफ की जाती हैं. अब जरा
प्रेजेंट का इंडिकेटर यहाँ पे रेगुलरली है जो रूटीन को शो करता है, और जहां पे रूटीन आ जाए वो दो टेंसेस हो सकते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट या पास्ट डेफिनेट। इट इज अगेंस्ट लॉस टू थ्रो गैरबेज इनटू सिटी, और ये खिलाफ कानून है गलियों में कूड़ा करकट फेंकना, खिलाफ कानून है। स्ट्रीट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीज, तो शहर के तमाम हिस्सों से, सेक्शंस के मत पार्ट्स, इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, वो बंद पाइपों में लाया जाता है टू डिस्पोजल प्लांट, जहां पे उसको तलब किया जाता है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रीटमेंट की जाती है, तो उनमें बंद पाइपों में, ये सील्ड थ्रू अंडरलाइन कर लें, सील्ड सॉरी क्या था, कैरिड थ्रू हो गया। ये कैरिड थ्रू में किसी चीज में से गुजार के ले जाना होता है, कैरिड आउट का मतलब अकम्प्लिश करना होता है, यानी कोई काम मुकम्मल करना है तो कैरिड आउट होता है, और कैरी अवे का मतलब जीत कर ले जाना होता है, कैरी अवे विद का मतलब चोरी करके ले जाना होता है। तो दैट इज अ वेरी माइनर डिफरेंस ऑफ प्रीपोजिशन, उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो कैरिड थ्रू ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है दो दफा, ये प्रेपोजिशन के तौर पे जो पांच नंबर की प्रेपोजिशन आती है उसमें से भी आता है, कैरीड थ्रू, कैरीड बाय, कैरीड इन, कैरीड ऑन। कैरी ऑन का मतलब आपको पता है किस चीज का जारी रखना होता है। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड, साइंटिफिक मेथड के जरिए से ये बात पता चल गई है। डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, पता चल जाना, इससे पता चल गया है दैट अनसैनिटरी कंडीशन कॉज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कुछ बीमारियों का सबब बनती हैं, लाइक टाइफाइड। अब देखिए अनसैनिटरी कंडीशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये उसका जिक्र जनाब यहाँ पे कर रहा है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जी, टाइफाइड फीवर है, कोलरा है और डायसेंट्री। ये आपकी जब भी सवाल आ जाए ये तीन बीमारियां जरूर लिखनी है, इसके अलावा अगर कोई होती है तो वो आप उसके अलावा लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन जो है क्योंकि बुक के कॉन्टेंट्स हैं, अक्सर बच्चे इसमें लिखते हुए और बीमारियां लिख देते हैं, ये तीन का जिक्र नहीं करते, या इनमें से एक काज का जिक्र कर दिया। तो याद रखना है कि जो बुक का कंटेंट्स है वो आपके पास स्टैंडर्ड है, वही आपके पास रेफरेंस है, वो जरूर लिखने, उसके एडिशनल लिख सकते हैं, लेकिन वो अगर और कोई अनसैनिटरी कंडीशन से कॉज करती है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, सफाई का, क्लीनलीनेस का अपना निजाम है हर शहरी गवर्नमेंट्स के पास, which keep the city clean and thereby prevent spread of certain diseases, कुछ बीमारियों को वो रोक देते हैं। spread prevent का मतलब stop या control। A century ago it was common practice in many cities, ये आम जो है मामूल था बहुत सारे शहरों में, to bring water by bucket full use, कि वो बाल्टियों में लाया जाता था। ये bucket full जो है ये noun है, ये आगे मैं बात करता हूँ, ये वो नाउन्स हैं, फुल वाले आम तौर पे वर्ड जो है जिनके एंड पे फुल आ जाए वो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद फुल आने के बावजूद वो नाउन्स होते हैं, उनमें बकेट फुल है, कप फुल है, हैंड फुल है। तो ये इनके साथ हम जो एज अ नाउन एक्ट करते हैं, तो इसके साथ हम एज एडजेक्टिव एक्ट नहीं करेंगे। वो आगे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जरा देखिएगा, हमारे एडवर्ब कुछ intensifier के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा जी, यहाँ पे awful के मीनिंग में कौन सा वर्ड इजाफा कर रहा है? Absolutely. Absolute. तो अब absolute क्या है? Adjective है। अब चूंकि ये adjective के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा फिर? Absolutely. Adverb हो जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, क्या बनेगा? Exceptional. Exceptional brilliant child, exceptionally brilliant child. Exceptionally. ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, जरा गौर कीजिएगा। अगर तो बच्चा एक्सेप्शनल है तो फिर तो ये सही है, लेकिन अगर ब्रिलियंट एक्सेप्शनल है तो फिर ये क्या लगाएंगे? एक्सेप्शनली लगाएंगे। इस तरह से दो एडजेक्टिव भी इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी चाइल्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो फिर एक्सेप्शनल होगा, और अगर ये ब्रिलियंट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये फिर एक्सेप्शनली होगा, क्योंकि फिर एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। अगर नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो फिर ये एडजेक्टिव का रोल प्ले। फूड स्मेल्स क्या होगा? रियल डिस्गस्टिंग, रियली डिस्गस्टिंग।
इसके बाद आप देखिएगा जी, अगला सवाल है कि कौन सी सैनिटी कंडीशन हमारी इंप्रूव हुई है। शाबाश, इंप्रूव से आप जरा बताइएगा जी, ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये कौन से टेंस में हम करेंगे? क्योंकि ये अब के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये मुकम्मल हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में हम परफेक्ट टेंस ले लगाएंगे। शाबाश, इम्प्रूव से सेंटेंस बनाइएगा। सैनिटरी कंडीशंस क्या होगा? हैव इम्प्रूव्ड जी। क्या इम्प्रूवमेंट आई है जी? अब आज भी मौजूद हैं, तो इसलिए क्या लगाना? आर का इस्तेमाल किया जी। क्लीन रेगुलरली, अब क्लीन कर रही हैं या क्लीन हो रही हैं? हो रही हैं, तो स्ट्रीट हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या होगा? दे आर क्लीन रेगुलरली होगा जी। कैरी थ्रू सील पाइप टू डिस्पोजल प्लांट, क्या लाया जाता है? सेवन से मुराद गंदगी भी होती है और इससे मुराद गंदे पानी को भी कहते हैं। तो क्या होगा? अब कैरी रूटीन में किया जाता है या हो चुका है, आजकल नहीं हो रहा, रूटीन में किया जाता है, तो क्या होगा? इज कैरीड, चूंकि इज कैरीड थ्रू रूटीन में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसको प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ह्यूमन बीइंग को, सिटीज को। सिटीज आर प्रोवाइड, आप प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीज या प्रोवाइड हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो क्या बनेगा? सिटीज आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सी बीमारियां हैं जो अनसैनिटरी कंडीशन से कॉज करती हैं? कमांड क्या होगा? द डिजीजेस कॉज्ड बाय द अनसैनिटरी कंडीशंस आर, उनके नाम लिख देने हैं। क्या इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट को पहले लगा ले, टाइफाइड फीवर कॉलरा एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय पुअर सैनिटरी कंडीशन। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे, सवाल पे जाएंगे। ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ हैव द सैनिटरी कंडीशंस वाला, तो सैनिटरी कंडीशंस इंप्रूव हो रही है ना, तो यहाँ पे हैव बीन इंप्रूव भी होना चाहिए। अब सवाल क्या था कि किस तरह से इम्प्रूव हुई है, तो जो काम मुकम्मल हो गया है या अब बेहतरी का एक्शन तो हो चुका है, तो ऐसी सूरत में हमने परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जो रूटीन में चल रहा है, ये रूटीन में है, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस को लगा। मैं कह रही हूं कि इंप्रूव हुई है ना, तो ये पैसिव वॉइस में है, तो हैव बीन इंप्रूव्ड नहीं आना चाहिए। क्या होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है, वेरी गुड। ये बच्चों कुछ वर्ब्स होते हैं जो डबल फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे क्या होगा, क्लोज है, जैसे इम्प्रूव है, जैसे क्या होगा, वेड है। अब ये वर्ब जो है ये पैसिव में भी मीनिंग देते हैं और एक्टिव फॉर्म में भी मीनिंग देते हैं। मसलन क्या होगा? बढ़ जाना क्या होगा? खुद भी बढ़ना होता है और बढ़ाना भी होता है। जैसे आई इंक्रीज माई एबिलिटीज, ये मैं खुद कर रहा हूँ, और माई एबिलिटीज इंक्रीज, ये खुद ब खुद हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम डबल फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ऑलरेडी होने का मीनिंग देते हैं और करने का मीनिंग भी होता है। तो जहां पे होने का मीनिंग दे वहां पे मजीद पैसिव लगाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो बोरी है, ये सैक है, ये 15 किलो वेट हुई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दिस सैक वॉज वेट 15 किलोग्राम, बल्कि हम कहेंगे दिस सैक वेट 15 किलोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी वे होना ये होने का मीनिंग दे रही है। तो जब होने का मीनिंग दे तो ऑलरेडी वो पैसिव का मीनिंग होता है। क्लियर हो गया? ये कुछ वर्ब्स है जो दोनों फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इंक्रीज की मिसाल दी, इम्प्रूव भी इसी तरह से है। अलबत्ता आपने फर्ज करो मेरी इम्प्रूव की गई, तो माई एबिलिटीज हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय मी, तो ये एज अ एक्शन भी हो सकता है और एज अ दोनों वो टू बी वर्ब भी हो सकता है। शाबाश, गुड क्वेश्चन। आगे देखिएगा, बकेट फुल यूज में लाया जाता था फॉर हाउस होल्ड डोमेस्टिक यूज के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड ओवर कंसीडरेबल डिस्टेंस, काफी फासले से ले जाया जाता था। कंसीडरेबल मीन ह्यूज डिस्टेंस, फ्रॉम वेल कुएं से लेके घर तक। इट वॉज देयर फॉर वॉज वेरी स्पेरिंगली, ज़रा दूर से लाना हो तो फिर बड़ी एहतियात के साथ, कंजूसी के साथ इस्तेमाल किया जाता था, बाथिंग के लिए भी और क्लीनिंग के लिए भी।
often it came from the sources that contained them. वहाँ पे जरा सीम होते थे जहाँ से लाया जाता था. Town and cities have water system that usually provide enough water. ये enough water होगा क्योंकि enough को हमने noun से पहले लगाते हैं. तो काफी पानी जो है ना मुहैया किया जाता है फॉर हाउसहोल्ड यूज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन ग्रोथ ऑफ सिटीज हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर. आज के मसाइल में सबसे बड़ा मसला मुनासिब मकदार में पानी देना है और सफिशिएंट मींस सूटेबल एप्रोप्रिएट टू मीट द मेनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. लॉस एंजलिस हैव सॉल्वड द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू सिटीज फ्रॉम कॉलोराडो रिवर. कॉलोराडो रिवर से लेके पानी जो है ना लाया गया है 544 किलोमीटर अवे है. Carried through pipe duct है क्या होगा aqueduct से लाया जाता है. 1000 million liters of water delivered है supply किया जाता है district Delhi को. This is remarkable advance. Advance भी होता है ये noun भी होता है as a verb भी होता है. ये advanced ये verb है और advance यहाँ पे as a noun भी इस्तेमाल किया जाता है. Remarkable का मतलब outstanding होता है. From the bucket system of the supplying home with water. Los Angeles को कैसे पानी supply किया गया है. शाबाश करेंगे हुआ है शाबाश. क्या बनेगा वाटर हैज बीन सप्लाइड टू लॉस क्या होगा. हाँ वाटर हैज बीन सप्लाइड टू लॉस एंजेलिस फ्रॉम कॉलोराडो रिवर. जी जो क्या है कौन आज भी लोकेटेड है तो क्या होगा विच इज लोकेटेड एट 544 किलोमीटर. जी क्या होगा जी क्या कैरी थ्रू पाइप सील पाइप होता है. वाटर इज कैरी थ्रू सील पाइपलाइंस हो जाएगा या पाइपलाइन होगा. जी किसको प्रोवाइड किया जाता है 1000 million वाटर पर डे. क्या लॉस एंजलिस की बात की जा रही है तो प्रोवाइड कर रहा है या प्रोवाइड हो रहा है. हो रहा है तो क्या होगा इट इज प्रोवाइडेड विद 1000 million ऑफ वाटर. अब ये कौन से नाउंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताया आपको लगते वो एडजेक्टिव है लेकिन है वो नाउन. क्या है ही इज या ही हैज. हैज हैज होगा क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो हैज आ जाएगा. शाबाश. असलम हैज या इज अ कप फुल ऑफ कॉर्न. हैड आ जाएगा. वाटर वाज कैरीड थ्रू बकेट फुल या बकेट फुलनेस. बकेट फुल हो जाए ठीक होगा. तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो है ना वो एडजेक्टिव की तरह है क्योंकि फुल जिसके साथ भी लग जाएगा.